नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 नवंबर शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान कांग्रेस में अब जिलाध्यक्षों का जल्द ऐलान होने वाला है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि दिल्ली दौरे में पार्टी नेताओं से सत्ता और संगठन को लेकर चर्चा हुई है। इन मुलाकातों में जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर भी मंथन हुआ है। पार्टी दो फेज में जिलाध्यक्षों की सूचियां जारी करेगी। पहली सूची कुछ ही दिनों में जारी हो जाएगी। डोटासरा ने कहा कि जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां होते ही ब्लॉक स्तर की नियुक्तियों पर काम शुरू हो जाएगा, वहीं बाकी नियुक्तियां भी साथ साथ चलती रहेंगी। जयपुर स्थित राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS ने रैगिंग के मामले में 11 स्टूडेंट पर बड़ी कार्रवाई की है। कॉलेज ने इस मामले में मिली शिकायत के बाद हुई जांच में दोषी पाए गए सभी 11 स्टूडेंट्स को 6 महीने के लिए कॉलेज से निलंबित कर दिया है। वहीं हर स्टूडेंट पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 11 नवंबर को एंटी रैगिंग कमेटी के पोर्टल पर कॉलेज के ही एक स्टूडेंट ने 11 छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। रबी की बुआई शुरू होते ही राजस्थान में बिजली संकट खड़ा हो गया है। जरूरत की तुलना में रोज 800 मेगावाट बिजली कम पड़ रही है। कारण है बिजली वितरण कंपनियों की अदूरदर्शिता। कंपनियों ने सस्ती बिजली के फेर में सूरतगढ़ थर्मल की 5 यूनिट बंद करा दी, जहां से 4.5 रुपए से 5 रुपए यूनिट के भाव में बिजली मिल रही थी। फिर 125 लाख यूनिट यानी 800 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदने के लिए मार्केट्स में बिड लगाई गई, लेकिन अब 6.5 रुपए यूनिट से कम के टेंडर नहीं आ रहे। इस रेट पर बिजली खरीदनी पड़ी तो रोज 2.5 करोड़ का घाटा होगा। भरतपुर में गुरुवार को होमगार्ड भर्ती के दौरान एक फर्जी अभ्यर्थी बन असली अभ्यर्थी की जगह दौड़ लगाकर फरार हो गया। दौड़ पूरी होने के बाद जब होमगार्ड के कमांडेंट रामजी लाल ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे देखे तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। असली अभ्यर्थी को पकड़कर मथुरा गेट थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक के बीच सोने चांदी की कीमतों में गिरावट हो रही है। गुरुवार को जेवराती सोना 22 कैरेट के भाव 46,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। 8 दिन पहले भाव 48,600 रुपए थे, यानी महज 8 दिन में जेवराती सोने में 1,800 रुपए कम हो गए हैं। जानकारों के अनुसार अमेरिकन फेडरल बैंक ने ब्याज दरों को निचले स्तर पर कायम रखा है, इससे सोने पर विपरीत असर पड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में सोने में बढ़त देखने को मिल सकती है। गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल पुनर्गठन का काम पूरा होने के बाद अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संगठन विस्तार की तैयारियों में जुट गए हैं। संगठन विस्तार को लेकर डोटासरा ने दिल्ली में पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की। डोटासरा ने बताया कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति 2 चरण में होगी। आलाकमान की मंजूरी मिलते ही पहले चरण की नियुक्ति कर दी जाएगी। राज्य के आधे जिलों को लेकर चर्चा हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार पहले चरण में इसी महीने बाड़मेर नागौर सहित 15 जिलाध्यक्ष घोषित हो सकते हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पायलट और गहलोत खेमे की गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। गुरुवार को नागौर जिले के डेगाना में हेमाराम चौधरी के कार्यक्रम के दौरान डेगाराम MLA विजयपाल मिर्धा और डेगाना शहर के पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम बिंदा में बहसबाजी हो गई। दोनों के बीच बहसबाजी इतनी बढ़ गई कि पुलिस कर्मियों को बीच में आना पड़ा। इसके बाद पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम बिंदा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी और उनके साथ आए लांडनू विधायक मुकेश भाकर और पर्वतसर विधायक रामनिवास गावड़िया का स्वागत कार्यक्रम हुआ। शेखावटी में मौसम का मिजाज बार बार बदल रहा है। 5 दिन में ही मौसम कई बार बदल चुका है। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर 20 नवंबर को रात का तापमान 10 डिग्री था। 23 नवंबर को रात का तापमान जमाव बिंदु के करीब 1.8 डिग्री का हो गया। 25 नवंबर को फिर 5 डिग्री से ज्यादा की बढ़ोतरी के साथ तापमान 60 डिग्री तक पहुंच गया है। गुरुवार को तेज धूप भी रही। फतेहपुर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 30.5 व न्यूनतम तापमान 60 डिग्री रहा। बुधवार को अधिकतम तापमान 30.5 व न्यूनतम 3.5 डिग्री था। राजस्थान सरकार ने गुरुवार को 66 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले कर दिए। रात को जारी हुई तबादला सूची में 5 ASP के तबादले भी निरस्त किए गए। जिन 6 ASP के तबादले निरस्त किए गए हैं उनमें सौरभ कोठारी, सरिता, शीला फोगावट, तृप्ति विजयवर्गीय, प्रभुलाल धानिया के नाम शामिल हैं। सरकार की ओर से संचालित नर्सिंग शिक्षा का हाल बहुत खराब है। SMS कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर को छोड़कर
सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत संचालित 8 संस्थानों को डेपुटेशन वाले स्टाफ के हवाले कर रखा है। लापरवाही का आलम यह है कि आज तक किसी भी संस्थान में प्राचार्य, उप प्राचार्य, प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद ही सृजित नहीं है। पिछले 40 साल से पदों पर भर्ती नहीं कर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संस्थानों में नर्सिंग स्टाफ को पदों के विरुद्ध लगा रखा है, जबकि कोर्स करने वाले विद्यार्थी हर साल 20 से 40 हजार रुपए फीस दे रहे हैं। जयपुर के बड़े ज्वेलर ग्रुप की कंपनियों पर आयकर की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। आयकर टीम को जाने माने कारोबारी और गौरव टावर के मालिक निर्मल बड़िया के ठिकानों से 1,60,00,000 कैश मिला है। बड़ी संख्या में संपत्ति खरीद के कागजात भी मिले हैं। कई लॉकर्स होने का भी खुलासा हुआ है। लॉकर्स की जांच चल रही है। बड़िया के 2 पेन ड्राइव में बेनामी लेन देन का ब्यौरा होने की आशंका है और इसकी जांच की जा रही है। बेरोजगारी भत्ता लेने वालों के लिए सरकार ने 3 महीने की स्किल ट्रेनिंग और घंटे घंटे रोजाना की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी है। हालांकि जो छात्र प्रोफेशनल कोर्स कर चुके हैं उन्हें 3 महीने की स्किल ट्रेनिंग नहीं करनी होगी। ऐसे आवेदनकर्ताओं को विभाग को सूचना देनी होगी जिन्होंने बीएड, बीटेक, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर रखा है। ऐसे आवेदकों को स्किल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इस योजना में पात्रता की शर्तें पूरी करने पर आवेदन सत्यापित कर दिया जाएगा। चूरू जिले के एक छोटे से गांव सहनाली बड़ी में हुई शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां बैठे पंडित ने लड़की के घर से दूल्हा दुल्हन की ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन शादी करवा दी। खास बात यह है कि शादी की सभी रस्में गांव में ही हुई। रिश्तेदार की मौजूदगी में सभी रीति रिवाज पूरे किए गए। जब बात फेरों की आई तो पंडित ने ऑनलाइन मंत्र पढ़े और 11,000 किलोमीटर दूर सिडनी में बैठे जोड़े ने 7 फेरे ले लिए। राजस्थान के 4 जिलों में पंचायती राज चुनावों का ऐलान होते ही कांग्रेस सक्रिय हो गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई है। इन जिलों के प्रभारी मंत्रियों के साथ ही संभाग प्रभारी और जिला प्रभारी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने कहा कि प्रभारी मंत्री और पदाधिकारियों की टीम के साथ ही पंचायत समिति वार कोऑर्डिनेटर भी लगाए जा रहे हैं। बैंक में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। देश भर में बैंक ऑफ बड़ौदा के सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर और ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर के 376 पदों पर भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के 326 पद और ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर के 50 पदों पर भर्ती की जा रही है। उम्मीदवार 9 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।